हेलो दोस्तों, आज मिले एक वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आरआरबी जेई के लेके आज हम बात करने वाले हैं। जो आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो फाइनली दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। आप देखोगे इसका जो फॉर्म अभी फिल करने का डेट है आपके पास, अगर फिल नहीं किया तो आप फॉर्म को फिल कर लें। आप 29 अगस्त तक फॉर्म को फिल कर पाओगे दोस्तों। 29 अगस्त तक फॉर्म फिल होगा, फिर इसके बाद आपका जो होगा वो आपका 30 सितंबर से 8 सितंबर तक दोस्तों फॉर्म को एडिट होगा। यानी आप दोस्तों देखोगे 8 सितंबर तक अभी ये प्रोसेस ये चलेगा फॉर्म के लेके। आप देखोगे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो सबसे पहले होगा फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेकेंड जो होगा फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। CBT 1 जो होगा दोस्तों आपका जो 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको फिजिक्स है, आप देखोगे यहाँ पर जो कौन कौन से कोर्स आएगा, मैथ से आएगा जो 30 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रहेगा 25 20 मार्क्स का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स करेंगे, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स करेंगे। आप देख सकते हो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन 90 मिनट के होंगे। तो आप दोस्तों देख सकते हो ये आपका जो सिलेबस है। अब हम बात करते हैं एग्जाम के लेके। तो दोस्तों आप देखोगे आपका जो ऑफिशियल जो कैलेंडर आया था पहले, आप पहले उसको देख लो। आप देख सकते हो ये जो ऑफिशियल आया था नोटिस जो आरआरबी के दोस्तों है, आप देखोगे किस मंथ में कौन सी वैकेंसी आएगा। आप देखोगे पहले यहाँ पर देखोगे जुलाई सितंबर से लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी, जो कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो सितंबर तक आपका वैकेंसी आपका जो चलेगा प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे आपका जो 8 सितंबर तक आपका जो एडिट करने का ऑप्शन है, हो सकता है उसके बाद रीअपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट को हो नोटिफिकेशन है। जैसे कि आप देखोगे ALP में भी दोस्तों रीअपलोड किया गया है, टेक्नीशियन में भी दोस्तों रीअपलोड किया है, तो हो सकता है आपका जूनियर इंजीनियर में भी हो सकता है। इस वैकेंसी को दोस्तों जो कंप्लीट करना है आपको अप्रैल दोस्तों 2025 तक से दोस्तों आपको करना है। तो आपका देखोगे सितंबर अक्टूबर नवंबर से आपका जो फर्स्ट है आपका CBT एग्जाम होगा, फिर दिसंबर से आपका सेकेंड एग्जाम होगा CBT 2 होगा, फिर उसका आपका जनवरी फरवरी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका मार्च अप्रैल से दोस्तों आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आपका एग्जाम जो होगा CBT 1 जो होगा वो अक्टूबर नवंबर से आपका एग्जाम होगा। अगले मंथ आपका सितंबर है, सितंबर के बाद आपका अक्टूबर में एग्जाम होने का चांसेस है ज़्यादा, क्योंकि आप दोस्तों देखोगे और ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आपका चल रहा है सितंबर में हो जाएगा। आप फिर फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपका तो CBT एग्जाम होगा, अक्टूबर से आपका एग्जाम होगा, लास्ट अक्टूबर से होगा, फिर इसके बाद नवंबर दिसंबर से सेकेंड भी हो जाएगा और जनवरी में आपका फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अप्रैल तक से दोस्तों आपका वैकेंसी क्लियर कर लेना है, यानी ज्वाइनिंग तक दोस्तों कंप्लीट कर लेना है 2025 के लेके। तो दोस्तों आप अपने प्रिपरेशन जारी रखें, क्योंकि आपका एग्जाम अगले मंथ से नहीं अब अक्टूबर से आपका होने का ज़्यादा चांस है। सितंबर में दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है वो आपका ALP का एग्जाम होने का ज़्यादा चांसेस है। आप देख सकते हो ये सारे ऑफिशियल है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।